नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। मधुबनी के झंझारपुर में कल एडीजी पर कल पुलिसकर्मियों के द्वारा दो दरोगा के द्वारा हमला किया गया, पिस्टल ताना गया, मारपीट की गई। और आपको बता दें कि अपने बयान में जज साहब ने कहा है कि ये एसपी साहब के द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि उन्होंने एसपी साहब को समन भेजा था। डॉक्टर सत्य प्रकाश हैं मधुबनी के एसपी, और उनको लेकर खासी टिप्पणी की गई है। और आपको बता दें कि जो मारपीट हुआ कल, जज के साथ मारपीट किया गया, बेहद ये निंदनीय है। और भारत में न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका के बीच काफी बैर बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि अपने बयान में सरासर आरोप लगाया गया है जज साहब के द्वारा एसपी साहब मधुबनी पर। आपको बता दें कि पहले भी एसपी साहब को कानून का ज्ञान न होने की टिप्पणी जज के द्वारा किया गया था। आपको बताते चले कि जज के द्वारा जो है, या न्यायपालिका के द्वारा, हमेशा कार्यपालिका और उनके अफसरों पर टिप्पणियां की जाती है, जिसे सीरियसली नहीं लिया जाता, बल्कि उनका अनुसरण किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये प्रतिक्रिया कर दी गई, और ये प्रतिक्रिया काफ़ी हिंसक रही। जज पर हमला किया गया, और इसको लेकर हाईकोर्ट भी काफ़ी सीरियस है। और 29 नवंबर तक इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है बिहार के डीजीपी से। आपको हम बताते हैं, सबसे पहले घटना बताते हैं कि घोघरडीहा जो वहां का प्रखंड है, उसी का थानाध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया था कोर्ट के द्वारा। हमेशा बुलाया जाता है, हर एक केस में जो है वो बुलाए जाते हैं लोगों को। और इसी में वो पहुंचे और जज से मारपीट करने लगे, उन पर पिस्तौल तान दिया वहाँ के दरोगाओं ने, जो वहाँ के अभिमन्यु कुमार दरोगा है। और आपको बता दें कि इन लोगों को पकड़ के फिर से गिरफ्तार किया गया। और अपने बयान में जो है जज साहब ने क्या कहा है वो आपको हम बताते हैं। अविनाश कुमार ने इसमें लिखा है कि हमारा नाम अविनाश कुमार, उम्र 45 वर्ष, वर्तमान में मैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर झंझारपुर न्यायालय में पदस्थापित हूँ। 18 नवंबर 2021 को दोपहर 2 बजे अपने चैम्बर में अपना बयान स्वेच्छा से अंकित करता हूं कि 16 नवंबर 2021 को मुझे घोघरडीहा थानाध्यक्ष के खिलाफ घोघरडीहा प्रखंड के भोलीराही निवासी उषा देवी ने मुझे बीते मंगलवार को एक आवेदन दिया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि घोघरडीहा के थानाध्यक्ष ने उनके पति, ननद, वृद्ध सास और ससुर को झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, साथ ही पति के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद मैंने सत्यता जानने के लिए 16 नवंबर 2021 को ही थानाध्यक्ष को पक्ष रखने की सूचना फोन पर दी, लेकिन थानाध्यक्ष आने में टाल मटोल करते रहे। इसके बाद थानाध्यक्ष को गुरुवार को 11 बजे आने का समय दिया था। थानाध्यक्ष निर्धारित समय पर ना आकर दोपहर 2 बजे मेरे चैम्बर में पहुंचे। चैम्बर में प्रवेश करते ही थानाध्यक्ष ऊंची आवाज में बात करने लगे। जब हमने उनसे शांति से बात करने को कहा तो उसने कहा कि हम इसी अंदाज में बात करेंगे, क्योंकि यही मेरा अंदाज है। इसी बीच थानाध्यक्ष ने गाली गलौज शुरू करते हुए कहा कि तुम मेरे बॉस यानी एसपी साहब को नोटिस देकर बुलाते हो, आज तुम्हारी औकात बता देता हूँ। इसी बीच थानाध्यक्ष का सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा भी जबरन हमारे चैम्बर में घुस आया, और इसके बाद दोनों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। जब हमने वरीय अधिकारियों से शिकायत की बात कही तो थानाध्यक्ष ने कहा कि एसपी साहब के आदेश और समर्थन मिलने के बाद ही आया हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने। तुम हमारे साहब एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश को नोटिस भेजकर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश देते हो, साथ ही मुझे भी नोटिस भेजते हो, तुम्हारी क्या औकात, यह आज हम तुम्हें बताते हैं। इतना कहते हुए थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण मारपीट शुरू कर देते हैं। चैम्बर में मारपीट शुरू होते ही थानाध्यक्ष के सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार की भी मारपीट शुरू कर दिया। इसी दौरान थानाध्यक्ष ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तानते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें दुनिया से रुखसत ही कर देता हूँ, क्योंकि तुमने हमारे बॉस एसपी साहब को परेशान कर रखा है। बॉस के आदेश पर ही हम तुम्हें औकात दिखाने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें दो बिंदु आते हैं। जज साहब डायरेक्ट एसपी साहब पर आरोप लगाते हैं कि उनके कहने पर ये आए थे दोनों दरोगा जो हैं, ऐसा वो अपने बातों से कह रहे थे।
लेकिन यह भी हो सकता है कि ये दोनों दरोगा जो हैं वो एसपी साहब को नाम लेकर अपना सुरक्षा प्रदान कर रहे थे और एक तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः यही होगा कि एसपी साहब यही कहेंगे अपने बयान में कि मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, ये दोनों दरोगा झूठ बोल रहे हैं, यही होने वाला है और एसपी साहब अपना पल्ला झाड़कर निकल जाएंगे। और इस तरह भी बिहार में कहा जाता है आईपीएस के बारे में कि आई पर्सनली सेफ, बाकी भाड़ में जाए। तो आपको बता दें कि जज जो है अविनाश कुमार, इन पर जो है और फैसलों को लेकर जो है काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। आपको हम कुछ इनके फैसले बताते हैं। पहला है कि जज अविनाश कुमार ने इसी साल सितंबर में लौकहा थाने के एक मामले में अनोखा आदेश दिया था। जज ने छेड़छाड़ के आरोपी ललन कुमार साफी को 6 महीने महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने की शर्त पर रेगुलर बेल दी थी। दूसरा है कि एक अन्य मामले में शिक्षक की 1 क्लास से 5 क्लास तक के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की शर्त पर जमानत दी थी। और तीसरा मामला है जज अविनाश कुमार की कोर्ट ने भैरव स्थान थाने में दर्ज एक FIR में पॉस्को एवं बाल विवाह अधिनियम 2006 नहीं लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार को 14 जुलाई 2021 को एक साथ पत्र जारी किया था। इसमें मधुबनी SP, झंझारपुर DSP और भैरव स्थान थाना के अलावा व्यवहार न्यायालय के एक अधिकारी पर सवाल खड़े किए थे, उनको कानून की जानकारी नहीं होने की बात कही गई थी। तो आपको बता दें कि काफ़ी ये निंदनीय घटना है कि एक जज का उसी के चैम्बर में दो दरोगा के द्वारा उन मारपीट की जाती है, पिस्टल ताना जाता है और ये एक गलत पैटर्न है। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और तलब किया है DGP को। तो आपको बता दें कि ये तलब लेने करने वाला बात ही है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका में कभी भी टकराव नहीं होना चाहिए। और ये छोटे स्तर पर एक आपको बताएं कि जो व्यवहार न्यायालय है उस स्तर पर एक दरोगा जो है जज के साथ ऐसा बदतमीजी करे, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इसका जांच होना चाहिए कि क्या एसपी साहब के आदेश पर उन्होंने ऐसा किया या फिर एसपी साहब के नाम पर कंधे पर बंदूक रख के फायर किया जा रहा है कि और उनको मारपीट दोनों दरोगा के द्वारा की गई और बचने के लिए एसपी साहब का नाम लिया जाता है कि एसपी साहब के ही आदेश और सहमति के बाद हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन जो भी हुआ काफ़ी दुखदायक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।